क्या आपको मालूम है आप अपने बाहर का गार्डन घर के अंदर ला सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशांक जैन, co-founder of Woodofa Interiors. Today in this video, I'll be talking about how do we use these indoor plants inside the house to make it look beautiful and also air को purify कर पाएं. Using these 11 tips, आप अपने घर की air and also look change कर सकते हैं if you only follow these simple tips and tricks. Before I do that, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं बार बार बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, दोबारा बोलूँगा, तो कर दीजिए, और कर दिया है तो थैंक यू सो मच. Let's go into the video and see what do we have for you कि हम इंडोर प्लांटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं. पहला प्लांटर इज़ यूजिंग अ ट्राइंगल और अ रेक्टेंगुलर शेप. कोई भी आपको मार्केट में, आप अपने लोकल मार्केट में देखें या फिर आपके पास अगर कोई होम सेंटर है या होम लिविंग का स्टोर है तो वहाँ चले जाएं. यू विल फाइंड अ रेक्टेंगुलर और अ ट्राइंगुलर पीस ऑफ प्लांटर. उसके अंदर आप एक प्लांट रख दीजिए. इंडोर के बहुत सारे प्लांट्स आते हैं. आप अपने जब एरिया को शॉप करने जाएंगे तो उनसे बोलिएगा इंडोर के प्लांट्स दे दें और उनको रख लीजिए. सेकेंड टाइप ऑफ प्लांटर्स दैट कैन बी यूज्ड इज, आजकल बहुत सारी लाइटिंग और लाइट शोरूम्स में अगर आप जाएँ तो आपको इस तरीके से मिलेंगी कि वो बल्ब की शेप में या एक रेक्टेंगुलर या एक स्क्वायर और सर्कुलर बॉल है, उसके अंदर देयर आर प्लांटर्स. दीज आर आर्टिफिशियल प्लांट्स, येस, बट यू कैन ऑल्सो प्लेस सम नेचुरल प्लांट्स नियर अबाउट देम, बट इट विल एनहांस द लुक. मेरा तीसरा टिप है यूजिंग नेचुरल मटीरियल्स. आपके घर में बहुत सारे लोग स्वेटर बुनते होंगे या कोई जूट की रस्सियाँ होंगी, तो आप सिंपल काम करें, उन जूट की रस्सी को जोड़ दें और यू कैन मेक अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगुलर बॉक्स और उसके अंदर अपना एक प्लांटर रख दें. और भी अच्छा रहेगा अगर आपने इसको हैंग कर दिया ऊपर छत से या बालकनी में या फिर किसी रूम के अंदर. इट विल ऑल्सो मेक इट लुक गुड, बहुत अच्छा लगने लगेगा. आप किसी भी होम गार्डन शॉप पर अगर जाएंगे तो आपको ये एलिमेंट बहुत आसानी से मिल जाएगा. इसको हम बोलते हैं नेचुरल नॉटिकल, वेरी सिंपल हैंगिंग प्लांट. आप एक हैंगिंग प्लांटर इसको ले आए, इसी तरीके की शेप में होता है ये, विच इज़ नॉट स्क्वायर, इट इज़ नॉट रेक्टेंगुलर. ये एब्स्ट्रैक्ट शेप्स हैं और आपको बहुत सारे मॉडल में, शेल के मॉडल में या एक नेचुरल प्रोडक्ट के मॉडल में मिल जाएगा और आप इसको हैंग कर लीजिए. गाइस, दिस वन इज़ माई फेवरेट, मिक्स ऑफ मटीरियल्स. आप 2 या 3 मटीरियल्स को जोड़ के भी एक अच्छा हैंगिंग प्लांटर बना सकते हैं. आपके घर में बहुत सारे ब्रास के बर्तन होंगे और नहीं है तो कोई भी ब्रास का एक बोल ले आइए. उसके ऊपर चाहे आप जो बेड पे अपन यूज़ करते हैं स्ट्रिप्स फॉर आउटडोर बेड्स होते हैं या जिनको हम पहले पट्टियाँ बोला करते थे, उन पट्टीज़ के थ्रू आप इसको एक हैंगिंग प्लांटर तरह बना सकते हैं और ब्रास के मटेरियल को यूज़ कर लेंगे या आपने उसके अंदर कोई ब्राउन टोन या क्रीम और बेज टोन का मटेरियल डाल दिया तो और भी अच्छा लगने लगेगा. तो ये आप अपने घर में अंदर यूज़ कर सकते हैं. गाइस, जो मेरी ये टिप है ये आपने अक्सर देखा होगा. आप जब रोड से ट्रैवल करते हैं तो साइड में बहुत सारे लोग पटरी पे इसको बेच रहे होते हैं इंडिया में. इसका नाम है पॉटरी प्लांट्स. सो ये डिफरेंट कलर्स, सेरेमिक में, डिफरेंट चीज़ों में आपको बोल्स मिल जाएंगे. अब इन बोल्स को ले आइए और जगह जगह, छोटी छोटी जगह पर, चाहे अपने डेकोर शेल्व्स में या अपने बेड के साथ में या टीवी यूनिट के नीचे, वहाँ कहीं रख दीजिए. इसके अंदर आप कोई भी इंडोर प्लांट डाल देंगे तो इट विल स्टार्ट लुकिंग नाइस. एक और हैंगिंग प्लांटर बहुत ही पॉपुलर है, इसको बोलते हैं बोलो प्लांटर्स. बहुत ही सिंपल है. आप अमेज़न पे जाइए तो वहाँ पर आप बोलो प्लांटर्स सर्च करिए तो आपको बहुत सारे प्लांटर्स मिल जाएंगे जो कि हैंगिंग के फॉर्मेट में हैं. तो उन्होंने या तो लेदर का स्ट्रिप या फिर नॉन लेदर का स्ट्रिप यूज़ किया हुआ है और नीचे एक बोल है. उस बोल के अंदर आप अपने प्लांट को डाल सकते हैं और कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, चाहे बालकनी में करिए या फिर रूम के अंदर करिए. इट विल लुक नाइस. मेरी अगली टिप है बहुत ही कॉमन, जिसको आप बोलते हैं ग्लास वेसल्स. सो ग्लास के बहुत सारे बाउल्स हमारे पास, बॉटल्स या बाउल्स घर में होते हैं. आप इसको यूज़ कर लीजिए और इसके साथ अपना, चाहे आप फ्लोर प्लांटर या फिर आप हैंगिंग प्लांटर बना सकते हैं. आपको छोटी सी काम करना है इसमें, अपनी बोल या अपनी ग्लास की बॉटल के अंदर थोड़ी सी मिट्टी और खाद डाल के इसके ऊपर इंडोर प्लांट्स को डाल सकते हैं और इसको हैंग कर सकते हैं. अगर आपको लग्जरी ऐड करनी है अपने घर में तो आप वो प्लांटर्स के थ्रू भी कर सकते हैं. So there can be lot of copper, bronze, rose gold या फिर brass के materials आपको market में मिल जाएंगे. और अगर आप उसको hang कर दें और उसके अंदर एक planter को डाल दें, and if your theme permits, अगर आपकी theme में वो rose gold और वो brass और copper है, it will look very nice. Try करके देखें, या तो balconies में या फिर room के अंदर, बहुत सुंदर लगेगा. Guys, I hope you like my video about indoor plants and planters. अगर आपको अच्छा लगा है तो kindly like, share and comment. अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो kindly do that. Thank you so much for watching me.